नमस्कार, जीएस गैलेक्सी में मैं अनिल सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या था? इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन इकोनॉमी, ओवर इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुआयामी प्रभाव था, इट वाज अ मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट। हम लोग दो सेगमेंट में करके इसको देखा जाएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव था, और दूसरा देखा जाएगा शहरी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था ऑन अर्बन इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी। अगर बच्चों बात किया जाए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे, आपको पता है भारत आज भी गांवों का देश है। आज भी लगभग 60% से ज़्यादा आबादी गांव में कृषि की आजीविका पे निर्भर करती है। तो उस जमाने में भी भारत कृषि प्रधान देश था और अंग्रेजों के आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व हुआ करता था, लैंड रेवेन्यू था। तो चलिए देखते हैं कि गांव में अंग्रेजों ने अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मॉडल लाया। तो इन्होंने तीन तरीके का इकोनॉमिक मॉडल लाया, लैंड रिवेन्यू मॉडल लाया। पहला है रैयतवाड़ी, दूसरा है जमींदारी या इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और तीसरा है महालवाड़ी, महालवाड़ी। अब बच्चों देखा जाए रैयतवाड़ी क्या है। इस व्यवस्था में रैयत मींस होता है किसान। तो इस व्यवस्था में जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो सीधे फार्मर्स के साथ होता था, कोई भी मेडिएटर के रोल में नहीं था। इसलिए यह व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्र पर प्रचलित थी। 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के 51% प्रतिशत भाग पर यह व्यवस्था प्रचलित थी। अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता था या इस्तमरारी व्यवस्था भी बोला जाता था, यह पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर, 19% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया पर यह व्यवस्था प्रचलित था। अब बचा जो है महालवाड़ी, इसमें क्या था, इसमें महाल के जो हेड होते थे, हेड ऑफ द विलेज लेवल, वो रिवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे और फाइनली जो है ब्रिटिश ट्रेजरी में जो है उसको जमा किया जाता था। तो महाल के प्रमुख इस व्यवस्था में थे और यह व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत के 30% पार्ट पर, 30% हिस्से पर लागू था। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग वन बाई वन करते हुए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ था, इन 1892। किसने किया था, सर थॉमस मुनरो रहते हैं और कैप्टन रीड रहते हैं, सर थॉमस मुनरो रहते हैं और कैप्टन रीड रहते हैं। अब आते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त पे। अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया गया था, 1892 नहीं, 1792 होगा और ये 1793 होगा। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस एज अ गवर्नर जनरल भारत में आए थे, लॉर्ड कार्नवालिस। ये वही लॉर्ड कार्नवालिस हैं जो अमेरिका की क्रांति में मूकी खाए रहते हैं और वहां से वो कहा जाता है ना, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो वो अमेरिका से आए थे इंडिया में, इंडिया में आने के बाद वो देख रहे हैं कि उनके दामन पे दाग लगा हुआ है, कुछ ऐसा किया जाए कि लंदन में इनको फिर से पॉपुलैरिटी मिल सके। तो ये कौन सी व्यवस्था लाएंगे, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाएंगे। कब लाएंगे बच्चों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1793 में लाएंगे। इसके पहले 1790 ईस्वी में इन्होंने जो एक वर्षीय पूर्व की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया था, और उस 1790 से इन्होंने 10 वर्षीय, 10 ईयर फार्मिंग सिस्टम लाया था, 10 वर्षीय बंदोबस्त लाया था।
उसी 10 वर्षीय बंदोबस्त को मार्च 1793 में ये परमानेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था पे। इसको कब लाया गया था? इन द ईयर ऑफ 1822, 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू किया था। अब अगला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जाता है कि क्षेत्र इसका क्या था, किस एरिया में इस व्यवस्था को लाया गया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया में था। डेक्कन इंडिया में था, तमिलनाडु के बारामहल से इसको लागू किया गया था। अगर डेक्कन इंडिया में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और संपूर्ण क्षेत्र आप देख सकते हैं, मैंने शुरू में ही दे दिया है, 51% पे यह व्यवस्था लागू होती थी। अस्थाई बंदोबस्त का क्षेत्र क्या था? 19% भाग पर यह व्यवस्था प्रचलित है। यह व्यवस्था बंगाल में था, बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था और यूपी के केवल बनारस में, वाराणसी में था। ठीक है, अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र क्या है। तो अभी मैंने कहा कि यूपी के केवल बनारस में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? अस्थाई बंदोबस्त था। तो यूपी को आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उस जमाने में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। यूपी हो गया, आज का जो एमपी है इसको उस जमाने में सीपी कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। इसके अलावा नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में यह व्यवस्था प्रचलित थी और आगरा प्रेसिडेंसी एक हुआ करता था, वहां पे यह व्यवस्था प्रचलित थी। तो आइए फिर एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। तो जमींदार जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करते थे, लैंड रिवेन्यू कलेक्शंस का काम वो करते थे, जमींदार करते थे। इसके बदले में उनको क्या मिलता था? लैंड लॉर्ड को टोटल एरिया का टोटल कलेक्शन का 1/11 मिलता था, मतलब 11% लैंड लॉर्ड को मिलता था और 89% उनको कहाँ जमा करना पड़ता था? शाही खजाने में या सरकारी खजाने में जमा करना होता था। ये जो अस्थाई व्यवस्था है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, इससे अंग्रेजों की आय एक जो है निश्चित आय सुनिश्चित होती है। उस आय की राशि क्या होती है बच्चों? 3.84 करोड़ रुपी जो है, ये एक छोटे से एरिया, 19% एरिया से आज ये अमाउंट आपको छोटा लग सकता है, 1793 में ये अमाउंट बहुत ह्यूज अमाउंट था और पूरे ब्रिटिश भारत में तो था भी नहीं, केवल 19% भाग में था। तो इतनी आय निश्चित हो गई। आगे चलकर इस व्यवस्था में क्या व्यवस्था लाया जाता है? नीलामी, जो ऑक्शन सिस्टम होता है, नीलामी व्यवस्था को लाया जाता है। नीलामी व्यवस्था में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, सबसे ज़्यादा राशि को कबूलेगा, उसको ये ऑनरशिप दे दिया जाएगा। अब इससे क्या होता है, ये जो 3.84 करोड़ का अमाउंट है, इस नीलामी व्यवस्था से बढ़ते बढ़ते ये कितना हो जाता है? लगभग 13 करोड़ रुपया, अप्रॉक्स 13 करोड़ रुपीस। अब कहां से किसान देगा? किसान नहीं दे पाएगा तो उसके लिए क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण किया जाएगा। अब ये राशि ज्यादा बड़ी राशि है, अंग्रेज इसमें क्या लाएंगे? एक क्लॉज ऐड किया जाएगा, उस क्लॉज को कहा जाता है सनसेट क्लॉज, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम मींस कि एक पर्टिकुलर डेट जमींदार को बता दिया जाता था, कहा जाता था अगर इस दिन आप हमको रिवेन्यू, मेरा जो सरकार का हिस्सा है वो नहीं देंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट के सूर्यास्त होने तक, सनसेट होने तक आपका अगर नहीं जमा हुआ तो आपकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी। तो चलिए ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर इन तीनों व्यवस्था में बात किया जाए ऑन द होल, तो भू राजस्व दर कितना लिया जा रहा है? इन तीनों व्यवस्था में
लगभग लगभग 50% भू राजस्व दर लिया जा रहा है। जैसे महलवाड़ी व्यवस्था में आप देखेंगे तो यहाँ पे भू राजस्व दर और ज़्यादा था, लगभग 66% के आसपास में था। लॉर्ड डलहौजी जब आते हैं तो इसको कम करके वो 50% पे लाते हैं। किसान आंदोलन में मैंने तेभागा आंदोलन आप लोग को बताया था, मैं कहा था कि 2/3 जो है गवर्नमेंट ले लेती थी या जमींदार ले लेते थे, 1/3 किसान को वो होता था। तो किसान उसी लिए ये मूवमेंट किए हुए रहते हैं। तो आइए बच्चों, ये 50% का जो हाई लैंड रेवेन्यू टैक्स है, भू राजस्व की दर है, इस पर कोई भी मानसून का इम्पैक्ट नहीं होता था, कोई मानसून का प्रभाव नहीं था। परिणाम क्या होता था कि जैसे ही अलिनो और लालिनो, हमारे यहाँ पे कॉमन फेनोमेना है जो हर 4 से 6 साल में इंडिया में हैपन होता है, इंडिया भारत को वो फेस करना होता है, मानसून हैम्पर करता है और परिणाम क्या होता है, अकाल की स्थिति होती है। अब इस अकाल की स्थिति में भी इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसान शोषण कब तक बर्दाश्त करेगा? जब शोषण की इंतहा हो जाती है, जब शोषण पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, तो किसान किसके लिए आ जाता है? किसान विद्रोह के लिए उतर जाता है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम किसान आंदोलन के रूप में होगा। अब बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। दो मॉडल है, एक इनका जो गांव के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मॉडल है, उसका परिणाम जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है प्रेजेंट मूवमेंट में, इसका वीडियो हम लोग 2 पार्ट में बना करके डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्बन इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट था और उससे कौन सा आंदोलन होता है, अगले वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। आप सारे बच्चों को तब तक के लिए धन्यवाद। आइए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।